हम बिग बॉस OTT सीजन 2 के कंटेस्टेंट एल्विश यादव और मनीषा रानी का चला एक बार फिर जादू। सोशल मीडिया पर छाए एल्विश यादव और मनीषा रानी ने टॉप 20 की सर्च लिस्ट मारी बाजी और बिग बॉस OTT सीजन 3 से शुरू होने से पहले फैंस ने सोशल मीडिया पर किए ऐसे कमेंट। तो इस वीडियो को कीजिए मैक्सिमम लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। दोस्तों, बिग बॉस सीजन 3 जो कि नेक्स्ट मंथ उससे शुरू हो रहा है, जिसका कंफर्मेशन भी आ चुका है, लेकिन लोग अब भी ये जानना चाहते हैं कि जब तक बिग बॉस OTT सीजन 2 की अभी तक तो हाइप भी ख़त्म नहीं हुई है, लगातार एक एक कॉन्ट्रोवर्सी और कहीं ना कहीं हाइप में बने रहने के बिग बॉस OTT के कंटेस्टेंट एल्विश यादव हो, मनीषा रानी हो, इनके खास करके इनकी जो हाइप है वो आज भी जिंदा है। इवन अभिषेक मल्हन की भी हाइप जो है वो और कंटेस्टेंट से कई ज़्यादा है। तो ये जो 3 कंटेस्टेंट है बिग बॉस OTT के, वो लगातार अब भी लाइमलाइट में बने हुए हैं टॉप 20 की लिस्ट। यहाँ पर एल्विश यादव ने एक पोस्ट भी शेयर किया जिस लिस्ट में एल्विश यादव टॉप 10 की लिस्ट में शामिल है और 9th पोजीशन पर इसी लिस्ट में सबसे ज़्यादा सर्च किया गया है मनीषा रानी को, और 20th पोजीशन पर आपको अभिषेक मल्हन देखने को मिलेंगे। ये जो सर्च रिजल्ट है ये बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स का नाम है इसमें, जहाँ पर गूगल पर किसका सबसे ज़्यादा सर्च किया गया है, कितने बार आपको एज एन सेलिब्रिटी नाम आपका सर्च किया गया है, इसके मुताबिक इस रिपोर्ट को निकाला गया है। तो यहाँ पर भी एल्विश यादव का जो क्रेज़ है वो तो जाहिर सी बात है, इस समय एल्विश से ज़्यादा हाइप में कोई भी कंटेस्टेंट नहीं है, क्योंकि एल्विश यादव की कंट्रोवर्सी लगातार चल रही है, चाहे वो स्नैक वेनम की हो, चाहे वो मैक्स 10 की हो, बहुत सारे और भी सेलिब्रिटी के साथ, मनीषा रानी के साथ भी बीच में कुछ कंट्रोवर्सी हो गई, लेकिन इस समय एल्विश यादव की जो हाइप है वो नागपुर के मीटअप में भी देखने को मिला है, वो बिल्कुल अमेजिंग थी। मनीषा रानी का नया म्यूज़िक वीडियो आ रहा है जिसको लेकर मनीषा के फैंस काफ़ी एक्साइटेड हैं, और मनीषा ने आज भी प्रूफ कर दिया है कि वाई शी इज रूलिंग लाइक अ क्वीन। इवन अभिषेक मल्हन जो हैं वो भी पहुंच चुके हैं प्लेग्राउंड के सीजन 3 में, लेकिन अभिषेक पर अब भी भारी पड़ रहे हैं एल्विश यादव। तो ये एल्विश और मनीषा का जो क्रेज़ है वो आज भी सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल आप बताना कमेंट बॉक्स में आपका क्या है ओपिनियन, और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।